Hey guys, today I'm going to show you a very easy portrait photography idea, or you can say a hack, to create some dramatic portraits like this at your home and by only using your household's items. So guys, अब ये portraits create करने के लिए आपको कोई यू नो महंगी चीज़ या फिर फ्लैश मॉडिफायर्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक मोबाइल फ्लैश, क्योंकि मोबाइल फ्लैश का जो लाइट सोर्स रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, तो जब आप यू नो मोबाइल फ्लैश से किसी भी चीज़ पर लाइट उसकी कास्ट करते हो तो बहुत ही हार्श शेडोज़ क्रिएट होते हैं, और वही शेडोज़ का हम लोग को यूज़ करके कुछ ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स क्रिएट करना है। अब गाइज, हमें एक लाइट सोर्स मिल गया है, अब हमें चाहिए एक मॉडिफायर जिससे हम लोग वो जो स्लिट लाइटिंग है वो क्रिएट करेंगे। तो अब यू नो मैं पहले जब इस ट्राई कर रहा था तभी मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई किया कि कैसे हम लोग वो स्लिट लाइटिंग क्रिएट कर पाएंगे। मैंने अपनी फिंगर्स से भी ट्राई किया कि देखते हैं क्या स्लिट लाइटिंग बनती है क्या, बट यू नो इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, मतलब 2 दिन लगा दिया सोचने में कि क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हम लोग यूज़ करके स्लिट लाइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। फिर जाके 2 दिन बाद मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, उसके बीच में एक रेक्टेंगल कट किया कुछ इस तरीके से, और जब मैंने उसको फ्लैशलाइट के सामने रखा तो मैं कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट मुझे मिलने लगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा यू नो टर्न करते हो ऐसा, तो आपको कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल अपने फेस पे देखने मिलेगा, और आप कुछ क्रिएट कर पाओगे इसी तरह के पोर्ट्रेट। एक चीज़ और, जब आप ये पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे होगे तो अपने घर की जितनी भी लाइट्स है उनको पूरा बंद करके डार्क कर देना, ताकि आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले। सो गाइस, अगर आपको थोड़ा और क्रिएटिव जाना है तो आप यूज़ कर सकते हो एक कॉम्ब, जिससे आपको बहुत ही अच्छी यू नो स्ट्रिप्स मिलेंगी अपने फेस पर, और उसका यूज़ करके भी कुछ आप इस तरह के ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स क्रिएट कर पाओगे। और गाइज, अगर आपको और थोड़ा क्रिएटिव जाना है, मतलब थोड़ा और दिमाग लगाना है, तो आप कुछ यूज़ कर सकते हो इस तरीके के बास्केट्स, ये वेजिटेबल्स रखने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं, और इससे भी आपको कुछ यू नो बहुत ही मस्त पैटर्न वाली शेडोज़ आपके फेस पर एक नेट ऐसा क्रिएट होगा जिससे आपको कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस तरीके के ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स क्रिएट कर सकते हो, बस आपको जाना है और सर्च करना है आप क्या क्या है आपके घर में, सब निकालो ढूंढ के और देखो क्या आप क्रिएट कर सकते हो। और गाइज, ये जो आपको मैंने पेपर वाला हैक बताया था कि मैंने रेक्टेंगल कट किया और एक स्लिट लाइटिंग क्रिएट किया, तो उसका ही सेम यूज़ करके आप अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो पेपर में, और अलग अलग यू नो शेडोज़ अपने फेस पर कास्ट कर सकते हो, और उनसे कुछ ड्रामेटिक पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। सो गाइज, अगर आप ये कुछ हैक्स यूज़ करने वाले हो अपने फ़ोटोज़ के लिए, तो प्लीज़ मुझे टैग करना, मैं यू नो बहुत खुश हो जाऊँगा आपको देखकर, यानी आप कुछ आइडियाज़ ट्राई कर रहे हो मैं जो बता रहा हूँ वो सब। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो वीडियोज़ बना रहा हूँ, सो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा हमारे वीडियोस बनाने का। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़।